हेलो दोस्तों, आज एसएससी जेई के बारे में मैं फुल डिटेल बता रहा हूँ कि सिविल में टेक्निकल में क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितने वेटेज रहता है इसके बारे में। पहले टारगेट है 2023 के लिए, ठीक है, सिविल इंजीनियर। हम इसमें सिविल इंजीनियर के 100 क्वेश्चन जो आता है वो फुली 100 मार्क के रहता है, इसके बारे में हम डिटेल बता रहे हैं। इसमें इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट है जो बिल्डिंग मटेरियल, इसमें फर्स्ट जो है बिल्डिंग मटेरियल है, जो जिसमें 24% वेटेज रहता है। ऑलमोस्ट जितना भी एग्जाम अभी तक लगा हुआ है सब में इसका वेटेज 24 के आसपास रहा है। और उसके बाद क्या है, आरसीसी, इसमें क्या है आईएएस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसमें आईएएस बेस्ड एंड एक नंबर या बेस्ट नंबर भी रहता है, जो जिसका वेटेज सेकेंड रहता है, ये 30% के आसपास रहता है, 12 से 30%। थर्ड में जो होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में इसका वेटेज भी ऑलमोस्ट 10 से 12% के आसपास रहता है। उसके बाद आता है सर्वेइंग, सर्वेइंग में 11% वेटेज रहता है। यह एकदम परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन रहता है, डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। पांचवा टॉपिक है फ्लूड मशीनरी। फ्लूड मशीनरी में चलाता है, इसमें परिभाषा बेस्ड रहता है, डिफिनेशन बेस्ड रहता है, इनमें ओपन चैनल फ्लोर। सातवां जो है स्टील, स्टील जो होता है स्टील में या आईएएस बेस्ड जो टेंशन मेंबर में, जो टेंशन मेंबर पर बेस्ड रहता है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो होता है बहुत ही इसमें एसएससी जेई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सब्जेक्टिव एग्जाम जब होगा उसमें भी यह अच्छा खासा नंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, यह 5% के आसपास वेटेज रहता है, क्योंकि इसका वेटेज अदर एग्जाम की तुलना में एसएससी में कम वेटेज रहता है। गेट में, ईएससी में इसका वेटेज ऑलमोस्ट अच्छा खासा रहता है, बट जो एसएससी जेई में है इसमें कम रहता है। यही आए ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका वेटेज कम रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन रहता है वो भी आईएएस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, यह 4% इसका वेटेज रहता है। उसके बाद लास्ट जो होता है यह इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी होता है, यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ये ठीक है। ये जितना भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है बताया गया है इसमें, ये सारा यही चैनल पे, यही जगह पूरा बताया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब फैकल्टी द्वारा। हम जैसे हम बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा सकते हैं, आरसीसी पढ़ा सकते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और जो बचा हुआ है सब्जेक्ट वो दूसरे फैकल्टी के द्वारा पूरा किया जाएगा, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा कि यह हमारे चैनल जो है इससे जुड़े रहिए, ये इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जितना भी टॉपिक है मेरे द्वारा और मेरे और फैकल्टी के द्वारा, इसमें सारे टॉपिक अच्छे से और बेहतर तरीका से आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है।